नीट एग्जाम का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए? भाई सुनने में लग रहा होगा सर क्या भी टॉपिक है, नहीं भाई पिछले कई सालों का अगर आपने न्यूज सुना होगा स्टेट्स में तो आपको यू नो वेरी क्लियरली कि नीट एग्जामिनेशन का जो चेकिंग होता है कितना स्ट्रिक्ट होता है। तो आई एम गोइंग टू टेल यू द सेफेस्ट एंड द रिस्क फ्री ड्रेस कोड, यहाँ पर आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बता सकते हो वैसे, ठीक है, लेकिन सबसे सेफ यही है भाई। तो इसको तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे, अपर वेयर, बॉटम वेयर और सैंडल्स क्या होने चाहिए सिंपल में। अपर वेयर में सिंपल हाफ स्लीव प्लेन टी शर्ट्स बिना कोई ज्यादा अल्फाबेट्स के, ना ग्राफिक्स के, ना फ्लोरल प्रिंट के, कुछ नहीं, सिंपल प्लेन टी शर्ट। नंबर टू, बॉटम वेयर क्या होना चाहिए? सिंपल ट्राउजर्स और पैंट, कोई कार्गो, कोई भी जींस वगैरह अलाउड नहीं है, तो भाई प्लीज मत पहनना। और नंबर थ्री, जूते क्या होने चाहिए भाई? चप्पल पहन के जाना, सैंडल पहन के जाना, सिंपल सी बात है। जितना आप प्लेन सीधा सादा सुथरा लगोगे उतना ही कम चेकिंग होगी, उतना स्मूथली आपका प्रोसेस खत्म होगा, सेंटर में जाकर आप एग्जाम लिख पाओगे, ठीक है। लड़कियां स्पेशली जिनके लंबे बाल है भाई, सिंपल तरीके से एक रबर बैंड के साथ चोटी पहनकर जाना, जो भी ड्रेस पहन के जा रहे हो उस ड्रेस में कोई भी मेटल वाला पार्ट ना, उतना ध्यान रखना, वरना फिर ज्यादा चेकिंग होगी, स्मूथ नहीं रहेगा, ठीक है।